जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो मैटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सारे इसके प्रस्पेक्टिव हैं, हमको सारे प्रस्पेक्टिव समझने चाहिए। जितना ज़्यादा सेंसिटिव है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिससे ये रिलेटेड नहीं है, जिसके दैनिक लाइफ से, वो गरीब हो, अमीर हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, सबसे ये रिलेटेड है। और इसके ढेरों प्रस्पेक्टिव हैं। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है कि 16 साल से कम बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो, कोचिंग में एडमिशन नहीं हो सकता, सॉरी, कोचिंग स्कूल का मैटर आ गया। इससे पहले यूपीएससी कोचिंग वालों को गाइडलाइन गई थी, उससे पहले कोटा में जो सुसाइड कर रहे थे बच्चे उनको गई थी। और हम डेली देखते हैं स्कूल के जो बसेज हैं उनके लिए जो गाइडलाइन है कितना फॉलो की जा रही है, जो वैन्स है कितने लोगों को बिठाना है, क्या करना है। पिकनिक में वडोदरा में बच्चे गए, वहां पे हादसा हुआ। इससे पहले कोचिंग में सूरत में आग लगी, वहां पे हादसा हुआ। देश में होता रहता है, स्कूल बैन के एक्सीडेंट होते रहते हैं। सेफ्टी गाइडलाइंस को कितना फॉलो करते हैं ये आप देखते हो, ये सारी बातें। और इन सबसे ऊपर हम स्कूल में क्यों जाते हैं या कोचिंग में क्यों जाते हैं, नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले छोटे से कंपेरिजन से, ताकि आप बेसिक, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको समझ पाओ। तीन स्टेक होल्डर हैं, स्कूल, कोचिंग और गवर्नमेंट, तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये जान लो, आप जान लो क्या जानते ही हो भाई, प्राइमरी पर्पज क्या होता है, हमारा स्कूल में जाने का प्राइमरी पर्पज क्या होता है भाई, नॉलेज। नॉलेज कौन देता है? टीचर। अब आप डिसाइड करिए कि एक कोचिंग में और एक स्कूल में किसको आप कितना स्टार दोगे टीचर के मैटर, किसके पास अच्छे टीचर है भाई। स्कूल वालों की तो यह हालत है, फी लेंगे 1 लाख रुपए और टीचर को देना चाहेंगे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। ये प्ले ग्रुप के जो स्कूल हैं जहां पे बच्चों को खिलाना होता है, फी है उनकी 30,000 से लेके 50,000, 1 लाख भी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक स्कूल में मैं गया था जो 35,000 फी मांग रहे थे और वहीं पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, उनको 5,000 सैलरी दिया जा रहा है। उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कहती है कि जो प्ले ग्रुप के स्कूल हैं इनमें बच्चों को खिलाना है, उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना है, स्कूल के वर्ड थोड़े बड़े हो जाए तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, ऐसे गेम हमको खिलानी है, पजल करानी है। और एक ऐसा टीचर जिसको हम 5,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं उससे उम्मीद करते हैं कि वो ये करेगा। पेरेंट्स से फी कम नहीं ले रहे हैं, फी तो 30,000 ही है, 50,000 ही है, पर टीचर को नहीं देंगे। तो क्या नॉलेज के क्राइटेरिया में स्कूल ने फुलफिल किया है अपनी जो एलिजिबिलिटी है? वो नहीं किया है, साफ साफ मैं कहता हूं नहीं किया है। और कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कर पा रहा है। कोचिंग वालों ने कुछ हद तक, या फिर आप कह सकते हो कोचिंग तो डेवलप ही इसीलिए हुई क्योंकि स्कूल वाले अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, यूनिवर्सिटी वाले अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ के यूपीएससी निकाल रहे तो भाई क्यों जाएगा यूपीएससी की कोचिंग करने, और क्या जरूरत है यूपीएससी कोचिंग वालों की? अगर बच्चा स्कूल में पढ़ के जेई और नीट निकाल ले तो क्या जरूरत है उसको कोचिंग? कोचिंग वाले तो ऐसे ही बंद हो जाएंगे क्योंकि वहां तो ओपन कंपटीशन है, तो नॉलेज तो दे नहीं पाए। इसमें कोचिंग वालों ने कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन किया है। आपका बच्चा अगर कुछ सीख रहा है ना तो कोचिंग में सीख रहा है। जो आपका सर्टिफिकेट है ना जिसपे स्कूल का नाम लिखा रहता है, उसमें जो मार्क्स लिखा रहता है ना, वो स्कूल का नहीं होता है, वो कोचिंग का होता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ के तो बच्चा वो मार्क्स ला ही नहीं सकता है। पर नहीं, हमको रेगुलेट करने की किसकी किसको जरूरत है? कोचिंग। अभी बताता हूं। चलो आप कहोगे कि भाई नॉलेज नहीं दे पाए ना, पर हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम उनके क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, हम उनके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात करते हैं, हम उन्हें उनके स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं स्कूल वाले, क्रिटिकल थिंकिंग होती है स्कूल में। बहुत सारे स्कूल वाले कहते हैं कि कोचिंग में जाके बच्चे तो एक रूम में बैठे रहते हैं, उनका कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होगा। हालांकि अब कोचिंग वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी देने लगे हैं, पर मैं आपको बस टेस्ट के लिए कह रहा हूं,
दो चार पांच दस स्कूल में जाके आप पूछ लेना, जो ये क्लेम करते हैं कि ये बच्चों को कोकरिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, भाई जाके बस पूछ लेना आप जो करवाते हैं उनसे कि आप हमें 5 से 10 ना कोकरिकुलर एक्टिविटीज बता दीजिए और 5 से 10 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बता दीजिए कौन कौन सी होती है। मैं गारंटी देता हूं 50 से 60% वो भी नहीं बता पाएंगे जो ये कराने का क्लेम करते हैं। पिकनिक ले जाते हैं स्कूल वाले, उनका हाल आप देख ही रहे हो। पिकनिक पे जाने का खर्च इस बेसिस पे नहीं लिया जाता पेरेंट से कि पिकनिक कहां जा रही है, क्या डेस्टिनेशन है, इस बेसिस पे लिया जाता है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। बहुत सेम डेस्टिनेशन है, सेम जगह जा रहे हो, बहुत हाई फाई स्कूल है तो 50,000 ले लेंगे, उससे छोटा है तो 30,000 ले लेंगे, उससे कम नाम वाला स्कूल है तो 20,000 ले लेंगे, उससे कम नाम वाला है तो 5,000 ले लेंगे, कोई उसी जगह कोई छोटा स्कूल है 2,000 में भी लेके जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे अभी बड़ोदरा में हुआ है, उन्होंने कह दिया कि हमने पिकनिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था किसी और कंपनी को, पेरेंट से पैसा लिया, कुछ कमीशन खाया, उससे कुछ कम पैसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी उससे कुछ कम पैसा में खर्च करके बच्चों को टूर कराई और फिर वहां पे कंप्रोमाइज किया गया, जिस बोट में 14 से 16 लोगों को बैठना था वहां पे 34 लोगों को बैठाया गया। क्यों? क्योंकि पैसा जितना पेरेंट से आया था उतना तो नीचे तक गया नहीं, बीच में कॉन्ट्रैक्टर ने खाया, स्कूल ने खाया, और टूर में आप खुद भी जाके देखा करो भाई, आप ऑन एन एवरेज मान लो अगर छोटे बच्चे हैं तो एक टीचर 2 से 3 बच्चों को मैनेज करें तो छोटे बच्चों, क्योंकि वो ज्यादा नोटोरियस होते हैं, ज्यादा भागेंगे। थोड़े बड़े बच्चे हो तो 4-5 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, पर नहीं, 100 बच्चों का टूर जा रहा है, टीचर है 2-3 और इनको लगता है इन्होंने सब मैनेज कर लिया है, पेरेंट्स को पता ही नहीं, पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो जॉब कर रहे हैं, उनको खुद को टाइम नहीं अपने बच्चों को देने के लिए, तो स्कूल के ठिकाने लगा देते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम है कि आप टूर से मना भी नहीं कर सकते, आपके बच्चे के अंदर गिल्ट भाव आता है कि सारे बच्चे सारे क्लासमेट्स उसके टूर पे जा रहे हैं, वो ही नहीं जा रहा है, बस क्यों नहीं जा रहा, उसके दिमाग में लगता है या टीचर ने भर दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए हैं। अगर किसी के पेरेंट्स ने टूर के लिए पैसे सबमिट नहीं किए तो पेरेंट्स से कम कहेंगे, बच्चे से ज्यादा कहेंगे कि बेटा तुम्हारा नाम नहीं आया, तुम्हारे टीचर्स ने भी पैसे नहीं दिए। अगर बच्चा बोल सकता है, समझ सकता है तो उसी से कह देते हैं टीचर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि उसके दिमाग पे क्या जाएगा, कम से कम टीचर पेरेंट्स से कहो। तो नॉलेज, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, टूर, ट्रेवल्स, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। 100 में से 90 कॉलेज के जो लैब्स है ना वो बंद पड़े रहते हैं, धूल धूल पड़ी रहती है उनपे, कितने के पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, होंगे तो काम नहीं कर रहे होंगे, केमिकल होगा उससे कुछ और रिएक्शन होना चाहिए, कुछ और रिएक्शन हो जाएगा। और मैं ये यूं ही नहीं कर रहा हूं, ये सारे स्कूलों की हालत है, गवर्नमेंट की तो खैर बात ही मत करो, प्राइवेट की भी, जो बहुत वेल नोन स्कूल है उनकी भी यही हालत होती है, कुछ एक आध दुक्का होंगे एक्सेप्शनल जहां पर ये चीजें चल रही होंगी। यही एकमात्र रीजन है कि जब वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला पेरेंट्स को, बच्चों को, तो फिर कोचिंग ओपन होना शुरू हुए और बच्चे कोचिंग में आए, जहां पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि स्कूल के लेवल से कहीं बेहतर, खराब से खराब कोचिंग में भी स्कूल अच्छे से अच्छे स्कूल से बेहतर नॉलेज दिया जाता है। फिर मन में सवाल आएगा कि स्कूल वालों के पास ज्यादा क्या है भाई, 2 चीजें ज्यादा है, एक सर्टिफिकेट और एक इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पे तो भाई ये इतना जोर देते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में भी, जहां पे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स भी बैठे हैं जिनको रीजनल लैंग्वेज में ही कंफर्ट है, हिंदी भी ठीक से नहीं समझ पाते, उनको इंग्लिश में ज्ञान देते हैं। और हमने तो इंग्लिश को इतना महान बना ही रखा है कि भाई इंग्लिश बोलने वालों को तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान के ही बैठे हैं हमारे देश में, मतलब इंग्लिश के नाम पे ना हमसे वो कॉमन सेंस भी छीन लिया गया है कि भाई फिर तो जो यूरोपियन अमेरिकन हैं वो तो पैदा ही ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि उनकी तो मदर टंग है वो, हमसे वो कॉमन सेंस भी छीन लिया गया है, जैसे कोई इंग्लिश बोलता है हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मान लेते हैं। हालांकि इधर 2-4-10 सालों में थोड़ी कमी आई है इस थॉट प्रोसेस में,
पर अभी भी ये स्ट्रांग फीलिंग है, और स्कूल वाले इसी से, इसी माइंड गेम से पेरेंट्स के साथ खेलते हैं। इंग्लिश बोल दी, अरे वाह, पेरेंट्स को लगता है कितना स्कूल है, इंग्लिश बोल के कितना भी फी लगा लो, कितना भी चूना लगा लो। पेरेंट्स तो, बहुत सारे पेरेंट्स तो पेरेंट्स मीटिंग में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो कुछ पूछ पाए। क्यों भाई? क्योंकि उनको इंसल्ट फील होता है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको रीजनल लैंग्वेज में पूछना पड़ेगा, उनको हिंदी में पूछना पड़ेगा, तो उनको गिल्ट फील होती है। बहुत बार पेरेंट्स मीटिंग में फादर नहीं जा पाते क्योंकि उनकी जॉब होती है, मदर जाती हैं, और ऑन एवरेज हमारे हमारे देश का जो प्रैक्टिकल चीज है वो यही है कि माँ जनरली मोस्टली देखा जाए तो, हालांकि अब पढ़ रही हैं, पर काफी सारी ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं, उनको थोड़ा और प्रॉब्लम होती है, तो उनसे और मेंटली खेलते हैं स्कूल वाले। फिर वो पेरेंट्स पिताजी पे आके प्रेशर बनाएंगी कि सारे बच्चे ये कर रहे हैं, टीचर ऐसे बोल रही थी, तुम ये नहीं करने देते बच्चों को, वो नहीं करने देते। वो आदमी सोचता है अपना सर फोड़ो, उससे अच्छा जाने दो यार जैसे बोल रहे हैं, थोड़ा हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और कमाना पड़ेगा, स्कूल ट्रिप जा रहा है, 15,000 फी भरनी है, भर दो, क्या करें। दूसरा चीज क्या है इंग्लिश के अलावा? एक सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको पहले बताया, और यहीं पे सारा खेल होता है। कैसे भाई? क्योंकि ये जो कोचिंग है ना, ये रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां पे ओपन कंपटीशन है। कोई अच्छी क्वालिटी लेके आएगा वो आगे चला जाएगा, जिसकी खराब क्वालिटी होगी वो बंद हो जाएगा। पर स्कूल, स्कूल है गवर्नमेंट रेगुलेटेड। क्या सारे लोग हमारे देश में स्कूल खोल सकते हैं? नहीं भैया। मैक्सिमम स्कूल्स पे जो वेल नोन सीरीज है, स्कूल के जो फ्रेंचाइजी चलती हैं, जो अपने आगे इंटरनेशनल लगा लेते हैं, नेशनल लगा लेते हैं, वो हमारे देश के पॉलिटिशियन रन कर रहे हैं, बिजनेसमैन रन कर रहे हैं। आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी, ऐसी क्राइटेरिया बनाई गई है कि खोला नहीं जा सकता है। बड़े लोग खोलेंगे, बड़े लोग चलाएंगे और पढ़ाएंगे कुछ नहीं, और इस पे बहस भी करेंगे कि कोचिंग की जरूरत क्या है। तो मतलब अगर कहीं चीज कहीं पे गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है, तो एक बात तो फैक्चुअल है कि वहां पे काम चोरी आती है और करप्शन आता है, क्योंकि स्कूल तो अपने सारे पैरामीटर पे फेल हुआ है। बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट तो छोड़ो, मतलब कोई एक पैरामीटर स्कूल बता दे जो उसने बच्चे के अंदर डेवलप किया हो, या डेवलप तो छोड़ो इंप्रूव भी किया हो, कोई एक पैरामीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है ना यार, उनके यहां कंपटीशन ही नहीं। उनको पता है कि सब लोग स्कूल तो खोल नहीं सकते, हमारे यहां तो पेरेंट्स लाइन लगाते हैं फॉर्म लेने के लिए। और नॉलेज कितना भी हो, जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, तब तक आपके नॉलेज की वैल्यू क्या? आपको तो गवार कहा जाएगा। कोचिंग तो कोई भी खोल सकता है जिसके पास नॉलेज है, जो अच्छा पढ़ा सकता है, पर स्कूल नहीं खोल सकते, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन है। और वो चला कौन रहे हैं? गवर्नमेंट के चमचे। आप कहोगे कि सर कोचिंग वाले फी भी तो ज्यादा लेते हैं स्कूल से। भैया स्कूल वाले ज्यादा फी लेते हैं आजकल, स्कूल की फी देख लो आप, जो थोड़े अच्छे स्कूल हैं। और मैं प्ले ग्रुप से बात, प्ले ग्रुप की भी कहीं पे भी 20,000 से कम फी नहीं है, खराब से खराब, थर्ड टीयर सिटी में भी नहीं, तो 50,000 एक लाख से फी स्टार्ट होती है, फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, वो 1.25 लाख, 1.5 लाख बस की फी भाई, 40-50 हजार बस की फी ले लेते हैं, 4-5 किलोमीटर के अंदर की। मजबूरी आपके, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, नहीं भेज सकते, बस करोगे, और वो मनमाना पैसा लेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ना, क्यों नहीं रेगुलेट करते भाई? कि भाई जो इतना पैसा ले रहे हो, खर्च कितना आ रहा है, जो इतना फी का ले रहे हो, टीचर को सैलरी कितना दे रहे हो, आपके दूसरे जगह खर्चे कौन से, एडिशनल खर्चा क्या है स्कूल के पास? कोचिंग के कंपेरिजन में देखें तो व्हाट आर द एडिशनल एक्सपेंसेस? एकमात्र A4 साइज सर्टिफिकेट बनवाना और एक गवर्नमेंट अप्रूवल लेना, बस दो है जिनमें नाम मात्र का पैसा लगता है। टीचिंग पे पैसा खर्चा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं रखे। एक्सपेरिमेंट पे पैसा खर्चा नहीं किया, क्योंकि उनके पास ना ही लैब है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उनको करवाना है जो गाइडलाइन है, एज पर गाइडलाइन नहीं करवाना है।
बिल्डिंग या कंफर्ट पे खर्चा किया है, मैं गारंटी देता हूं कि कोचिंग वालों की बिल्डिंग इनसे अच्छी होगी, वहां पे बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, इनके यहां फैन चल रहा होगा, पसीने आ रहे होंगे बच्चों को, वहां पे कोचिंग वाले एसी लगा के देते हैं उसी पैसे में। और कई सारे कोचिंग है, रेपुटेड कोचिंग की बात बता रहा हूं, वो स्कूल से कम पैसे लेते हैं और उसी कम पैसे में टीचर को अच्छा पैसा देते हैं, उसी कम पैसे में अच्छा बच्चे को कंफर्ट देते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं, पर स्कूल वाले उससे ज्यादा पैसा लेके क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, स्वाहा। और ये आपको लग रहा होगा कि मैं वन साइडेड स्कूल को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं भाई, जाके देखो, और हो सकता है आप लोगों ने देखा भी होगा। गवर्नमेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक एलिजिबल टीचर जाता है। आप कहोगे गवर्नमेंट के टीचर तो एलिजिबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं तभी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर उनकी एलिजिबिलिटी कंटिन्यूअसली डिग्रेड होती है, क्योंकि उनको पता है नौकरी सिक्योर है, मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, क्या गवर्नमेंट ने कोई पैरामीटर बनाया कि भाई आपको रेगुलरली टेस्ट देना पड़ेगा, हम देखेंगे कि आपका अपग्रेडेशन हो रहा है डिग्रेडेशन हो रहा है, नहीं कोई पैरामीटर नहीं है, वो कंटिन्यूअसली डिग्रेड कर रहे हैं, खुद को अपडेट करने की उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। यहां पे कोचिंग वाला है, अगर वो खुद को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो लुप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसको अपग्रेड करना उसकी मजबूरी है, चाहे वो स्कूल वालों जेई नीट वालों की कोचिंग हो, यूपीएससी वालों की कोचिंग हो, चाहे और कोई भी कोचिंग, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई किसी भी टाइप की कोचिंग की बात कर लो आप, इंजीनियरिंग की कोचिंग, इंजीनियरिंग मेडिकल, मतलब यहां से निकलने के बाद जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, वहां के बाद जो कोचिंग आती हैं, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनकी बात कर लो, मेडिकल कराने में 50 लाख 20 लाख इतने पैसे लगते हैं, वही मेडिकल एग्जाम आप वो कॉलेज से पढ़ के कतई नहीं निकाल सकते अगर आपको निकालना है। सेम हालत इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग कराने में आपका 5 से लेकर 10 15 20 लाख जैसा कॉलेज है वैसा लगेगा, पर वहां के पढ़ाई पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा दिया जाए, इंजीनियरिंग के सबसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ईएससी हो गया, गेट हो गया, निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, पर 30,000 40,000 50,000 या 1 लाख ऑफलाइन कोचिंग का प्राइस है, और 5,000 से लेकर 10,000 20,000 ऑनलाइन कोचिंग का प्राइस है। इतने की कोचिंग लेके आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब आपका नॉलेज इतना अपग्रेड हो सकता है कि आप वो टेस्ट निकाल सकते हो, पर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा, उन कॉलेज के ऊपर नहीं उठेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर, उन एमबीबीएस कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा, वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लाएगी, या जो रेगुलेशन लाई है क्या वो फॉलो किया जा रहा है वो चेक नहीं किया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दे आर रनिंग बाई ए पॉलिटिशियन, दे आर रनिंग बाय द बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स को रन कर रहे हैं। कोई भी कॉलेज देख लो आप, XYZ 90% वो पॉलिटिशियन के मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज, वहां पे रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, नहीं वहां पे फी घटाने की जरूरत है। अब आ जाते हैं 16 साल, ये बहुत क्रिटिकल मैटर है, ये 16 साल का जो एडमिशन वाला है भाई, मैं एक चीज और, ये जो 16 साल का आइडिया दे रहे हैं ना, ये कहां पे होता है भाई? बोर्ड मीटिंग में। उस बोर्ड मीटिंग में बैठे कौन लोग हैं? वही आईएएस साहब लोग, यूपीएससी क्लियर। इन भाई साहब से पूछो कि आप ऐसी आइडिया दे रहे हो, आप खुद ने बिना कोचिंग से निकाला है क्या एग्जाम? या फिर चलो कुछ निकाले भी होंगे तो कितने निकाले हो आप? जब आपको खुद कोचिंग की जरूरत पड़ती है, आप कहोगे वो तो बड़े थे ना भाई, ये कहां मना कर रहे हैं कि 21 साल के बाद आपको कोचिंग में, तो 16 साल तक मना कर रहे हैं भाई। यही तो है कि जहां पे बच्चों का डेवलपमेंट होना है वहीं रोक दो। जो अमीर है या जो पढ़ा लिखा है, अगर मान लो एकदम बैन ही हो जाता है कि 16 साल से कम बच्चों को कोचिंग जाना ही नहीं, अब उस बच्चे की हालत देखो, एक अनपढ़ या गवार पेरेंट्स है, उनका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल वाले उसको पढ़ा नहीं सकते, ये तो हमने देख लिया। घर पे पेरेंट्स को ज्ञान नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकते, इनके पास उतना पैसा नहीं है कि होम ट्यूशन लगा ले, कोई घर पे आके पढ़ाए, इनका बच्चा क्या करेगा भाई 16 साल तक? इनका बच्चा 16 साल तक ज्ञान से दूर रहेगा, और जो ये ज्ञान दे रहे हैं उनके पास तो खुद के पास नॉलेज है, चलो वो पढ़े लिखे हैं, अगर उनके बच्चों कोचिंग पे जाने पे बैन लगता है घर में पढ़ा लेंगे, घर में नहीं पढ़ा पाएंगे उनके पास पैसा है, होम ट्यूशन लगा लेंगे, कोई घर पे आके पढ़ाएगा,
इसका एक साफ साफ मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप गरीब हो, आप अनएजुकेटेड हो, तो आपके बच्चे से एजुकेशन का, या फिर कह लो क्वालिटी एजुकेशन का हक छीना जा रहा है, कि आपका बच्चा क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले सकता। यह साफ साफ है, एकदम क्लियर कट वर्ड में मैं बता रहा हूं। आप खुद जितना तर्क लगाना हो लगा लीजिए कि एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी का बच्चा अगर 16 साल तक कोचिंग में, आप कहोगे कोचिंग वाले भी तो पैसा लेते हैं, भाई मैं कह रहा हूं स्कूल से बहुत कम लेते हैं। और ये सर्टिफिकेट का मैटर नहीं होता ना, तो मैं कह रहा हूं सारे स्कूल वाले बंद हो जाते जितना पैसा लेते हैं और जो करते हैं। एक गरीब का बच्चा 200-300 रुपया देके मंथली, या 400-500 रुपया देके, एक मतलब आप कह सकते हो एवरेज लेवल का नॉलेज तो ले लेता है कोचिंग से। और वही गरीब का बच्चा 1,000-2,000 रुपया महीना स्कूल को देके क्या लेता है, क्योंकि किसी स्कूल की फी तो 25,000 से कम है नहीं, सरकारी की कम है, पर उनका तो नॉलेज से कोई वास्ता नहीं है, इससे कम नहीं है, और वहां पे उसको कुछ नहीं मिलता है। और 300-500 रुपया महीना देके उसको एटलीस्ट एवरेज लेवल का, मतलब खराब से खराब कोचिंग की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट उसको एवरेज लेवल का नॉलेज मिल जाता है, पर वो सरकार को हजम नहीं हो रहा, सरकार को जबरदस्ती उसको रेगुलेट करना है। अरे भैया, जिसको आपने रेगुलेट किया उसको सही से मॉनिटर तो कर लो, स्कूल को तो रेगुलेट किया है आपने, मॉनिटरिंग कर लो उसका ठीक से, कि भाई तुम इतना फी लेते हो, तुम पढ़ाओ अच्छे से, बच्चा अपने आप स्कूल कोचिंग नहीं जाएगा, पर उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलेशन लाने की जरूरत है। पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि दिखता है ना, एक वो बना दिया कि कोचिंग वाले लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, तो पहले हाँ बढ़िया किया, रेगुलेशन लेके आए कोचिंग के अगेंस्ट में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। पर इससे अल्टीमेटली लॉस किसका होगा जब इस टाइप के रेगुलेशन आएंगे? उन्हीं गरीब बच्चों को होगा जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन को, उनको सबसे लास्ट में एजुकेशन मिलेगी, और 16 साल बाद तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वही ऐसा नहीं रहेगा कि वो पढ़ पाए, या उनका जो ब्रेन है उतना प्रेशर लेने के काबिल नहीं रहेगा कि वो शुरू कर पाए पढ़ाई, या उस कंपटीशन को अचीव कर पाए जो पैसे वालों के बच्चे कर रहे हैं। तो बस यही कटना था आपका, अब ये भी कट जाएगा, इंतजार करिए, इंजॉय करिए, वोट दीजिए, ऑल रहिए, जय हिंद।